कल रात को हम पहुंच गए थे अल्मोड़ा और यहाँ कसार इन में रुके हैं हम। तो ये है होटल कसार इन, यहाँ पे दो रूम कर रखे थे। तो अब हम ऊपर पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो अब हम ऊपर के लिए जाएंगे मंदिर के लिए। यहाँ से प्रसाद मिल जाता है और चुन्नी भी मिल जाएगी चढ़ाने के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं भोलेनाथ जी के मंदिर। यहाँ पे शिवालय है और शिवालय से हम इस साइड आ गए और ये पीछे यहाँ पे है शारदा मठ। आप सभी को हमारा प्रणाम। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कसार देवी मंदिर। तो अभी कल रात को हम पहुंच गए थे अल्मोड़ा और यहाँ कसार इन में रुके हैं हम। तो ये इस तरह का है, यहाँ से पूरा व्यू अच्छा दिखाई देता है, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ स्टे के लिए। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए थे कसार इन में। ये कसार में आता है कसार अल्मोड़ा, अच्छा वहाँ रुके थे। इधर ये रूम है, दो रूम ले रखे थे यहाँ पे। इनका ये डॉगी भी है, अभी घूमने के लिए आ रखा है। आ जा आ जा आ रहा आने लग गया। चल आजा आजा इधर से नीचे से। अब नहीं जा रहा वो सूंग रहा है, अब नहीं जा रहा। तो ये है होटल कसार इन, यहाँ पे दो रूम कर रखे थे और यहाँ से ऐसे व्यू है थोड़े। ये नीचे यहाँ जाने के लिए ये रूम है, यहाँ नीचे रूम है वहाँ जाने के लिए। तो हमें यहाँ ऊपर की तरफ जाना है और इधर भी रूम है और हम इस साइड जाएंगे। यहाँ से इस तरह का है, अच्छा है ये कसार इन। अगर यहाँ पे अच्छा है बैठने का। ओ ये जिम है, अच्छा हाँ हाईवे से दिखता है। अच्छा तो यहाँ से इस तरफ जाना है और इधर की तरफ रिसेप्शन में जाइए गए। और यहाँ से हम नीचे थे हमारे रूम, यहाँ से हम इधर आ गए हैं। ये रिसेप्शन है। तो यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे अच्छा एम्बियंस है, तो आप भी यहाँ कसार इन आ सकते हैं। तो कसार देवी टेंपल जाते हैं तो उस साइड आता है कसार इन। यहाँ से हम सीधे जाएंगे कसार देवी मंदिर के लिए और यहाँ हम रुके थे ट्रिबो कसार इन होटल में। तो यहाँ आप भी ठहर सकते हो, स्टे कर सकते हो, खाना बहुत अच्छा है यहाँ। तो अब हम आ गए हैं कसार देवी मंदिर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हीलिंग हिल योर हीलिंग डेस्टिनेशन कसार, यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। अच्छा आगे से, अच्छा एक रास्ता उधर से आ रहा है जो मेन हाईवे जो मैं बता रहा हूँ। हाँ। उसका गेट सीधा सड़क में है। अच्छा। मेन हाईवे पे ये यहाँ पर एंट्री है, ये वाली एंट्री जिसका हम जा रहे हैं। अच्छा। कसार देवी मंदिर अपने चुंबकीय प्रभाव के लिए देश विदेश में मशहूर है और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और एक रास्ता यहाँ से आने का भी है और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। इन हाईवे वाला गेट वो नीचे है जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। यहाँ से अब हम ऊपर के लिए जाएंगे मंदिर के लिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर मंदिर के लिए और नीचे ही प्रसाद मिल जाता है, यहाँ से प्रसाद मिल जाता है और चुन्नी भी मिल जाएगी चढ़ाने के लिए।
कसार देवी मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे और उन्होंने यहाँ ध्यान किया था। तब से यह जगह और मंदिर हर तरह के यात्रियों के बीच फेमस हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद जी को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने लेखन में भी इसका जिक्र किया। यहाँ पे मंदिर के बारे में सारी जानकारी दे रखी है और यहाँ से अब हमें ऊपर जाना है। ये है कसार देवी केव लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर मंदिर में। अब भूमि हमसे पहले आ गई, सबसे पहले पहुँच गए हैं माँ कसार देवी मंदिर। अब भूमि यहाँ पे बैठ गई है, आगे तक गई थी फिर इधर आ गई। और ये है, आज है नवरात्रे का पहला दिन इसलिए भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम पहुँच गए हैं माँ कसार देवी मंदिर। आज है नवरात्रे का पहला दिन इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है। ब्लॉग तो लेट से आएगा पर यहाँ पे मंदिर सुंदर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी माँ साक्षात अवतार में आई थी। कहते हैं कि भारत में ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। मंदिर के आसपास कई जगह है जहाँ धरती के अंदर बड़े बड़े चुंबकीय पिंड हैं। कसार देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है। यहाँ धरती के अंदर भू चुंबकीय पिंड है। इस मंदिर से कई शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं जिसका पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी आए थे, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ ही लौटे। इस क्षेत्र के आसपास लोगों को मानसिक शांति का अनुभव होता है। भूमि तो अपनी बारी का इंतजार करते करते यहाँ बैठ गई। हमने यहाँ मंदिर में दर्शन कर लिया है माँ कसार देवी के। यहाँ शायद डेकोरेशन की तैयारी हो रही है मंदिर में और ऊपर की तरफ भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ से अल्मोड़ा दिखाई देता है और यहाँ से हमें जाना है ऊपर मंदिर के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं शिवालय मंदिर। कसार देवी मंदिर बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफी पास है और यहाँ पर हर प्रजाति के पक्षियों को देख सकते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ जी के मंदिर। बहुत सुंदर है यहाँ भी, इस तरह से है। ये प्रांगण है यहाँ का और बगल में है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो अभी हम यहाँ कसार देवी में ऊपर हैं जहाँ शिवालय है और बहुत सुंदर शिवालय है। यहाँ बंदर हैं तो आप बंदरों से थोड़ा अब प्रसाद वगैरह का ध्यान रखिएगा, बाकी सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ सब फोटो खिंचा रहे हैं, भूमि की फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पे शिवालय है और शिवालय से हम इस साइड आ गए और ये पीछे यहाँ पे है शारदा मठ और यहाँ से अल्मोड़ा का व्यू दिख रहा है इस तरफ का सारा आगे तक, वो भी अल्मोड़ा ही है पूरा उधर तक। यहाँ मंदिर के आगे यहाँ पे ध्यान करते हैं और यहाँ से अल्मोड़ा का व्यू है। नीचे बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं पिंक कलर के। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे कसार देवी मंदिर के लिए। यहाँ पे हाइड्रेंज का फ्लावर लगा हुआ है स्पॉट में, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतने ताज़े फ्लावर लग रहे हैं। पहले मुझे लगा नकली तो नहीं है, बहुत सुंदर है यहाँ। अब हमने दर्शन कर लिए हैं माँ कसार देवी मंदिर के और आज के व्लॉग में बस इतना ही।